गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैथ्स. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स एंड वर्क बुक, दोनों ही आपको निकाल के रखनी है. चलो, फर्स्ट टर्म में हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं मैथ्स के? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट? 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8. चलो, चैप्टर नंबर 8, कार्ड्स एंड व्हील्स. क्या है टाइटल? कार्ड्स एंड व्हील्स. चलो, व्हील्स क्या होते हैं वो आपको पता है, कार्ड भी क्या होता है वो भी आपको पता है. चलो, यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे व्हील्स दिख रहे हैं व्हीकल्स में. व्हील्स भी है, कार्ड्स भी है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर. चलो, यहाँ पे नीचे देखो, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस. चलो, यहाँ पे कौन बोल रहा है? ये छोटा सा जो बच्चा है वो बोल रहा है, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस. वो क्या कह रहा है कि ये देखो, ये व्हील कितना बड़ा है, मैंने तो इतना बड़ा व्हील कभी देखा ही नहीं है. चलो, यहाँ पे व्हील आप देख सकते हो, ये व्हील है, बहुत ही बड़ा है, उसने ऐसा व्हील जो है वो कभी नहीं देखा है. You must have seen many such round things around you. List some more in your notebook. चलो, यहाँ पे आप notebook में आप write down कर सकते हो. आपने बहुत सारे wheels देखे होंगे, round shape में जो things होती है वो भी आपने देखी होगी, तो ये आप write down कर सकते हो अपनी notebook में. यहाँ पे देखो, अभी round bangles. Have you ever gone to a bangle shop? चलो, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कभी bangle shop पे गए हो. Bangles आपने देखी होगी, आपकी मम्मा पहनती होगी, या फिर आपने कभी बाहर गए होते हो तो आपने शॉप पे बैंगल्स देखी होंगी. आपकी दीदी हो तो वो भी पहनती होगी, राइट? तो आप कभी बैंगल शॉप पे गए हो? आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल. चलो, यहाँ पे ये जो गर्ल है उसके हाथ में एक छोटी सी बैंगल आपको दिख रही है, राइट? तो क्या कह रही है कि मैं ये बैंगल नहीं पहन सकती, ये बहुत ही स्मॉल है. गेस विच ऑफ दीज बैंगल इज ऑफ योर साइज. चलो, यहाँ पे आपको 3 बैंगल्स के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, राइट? दीज आर बैंगल्स, द पिक्चर ऑफ बैंगल्स. इसमें से आपकी साइज कौन सी है? आप गैस कर सकते हो कि कौन सी वाली आपको फिट होगी, तो ये आपको गैस करना है. तो ये जो बैंगल्स होती है वो कौन से शेप में होती है? राउंड शेप में होती है. कौन से शेप में होती है? जैसे व्हील होता है, सन, मून, जिसका शेप कैसा हो? राउंड हो. तो ये जो बैंगल्स होती है कैसे शेप में होती है? राउंड शेप में होती है. टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ. चलो, यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ. कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल? चलो, अभी आपको एक बैंगल बनानी है, या तो आपको मम्मा को देनी है, या आपको मैडम, आपको टीचर को देनी है. क्या वो उसकी साइज की बनी है, उसको फिट आ सकती है? उसके बाद नीचे देखो, अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल. What are the other things around you that you can use to trace a circle? चलो, बैंगल का एक यूज क्या होता है कि उससे आप सर्कल को ट्रेस कर सकते हो. अगर आपको सर्कल बनाना है तो बैंगल का यूज हो सकता है. नीचे आप बैंगल रखोगे, उसके बाद पेंसिल घुमाओगे तो सर्कल बन जाएगा, तो उसका यूज क्या हुआ? बैंगल का, सर्कल बन सकता है. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप सर्कल बना सकते हो? तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि बैंगल का यूज ऐसे होता है, और ऐसी अदर थिंग कौन सी है जिससे आप सर्कल ट्रेस कर सकते हो? किससे होता है? आप बाउल का भी यूज कर सकते हो. घर पे ऐसी बहुत सारी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेगी जिससे आप सर्कल को ट्रेस कर सकोगे, एक्सेप्टिंग बैंगल्स. तो नीचे आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है कि ऐसी कौन सी चीज है, तो ये खुद ही आपको फाइंड करना है. यू कैन फाइंड इट. मैंने एक बता दिया है, बाउल. बाउल से आप ट्रेस कर सकते हो, बाकी की थिंग्स जो है वो आपको खुद ही फाइंड करनी है और यहाँ पे राइट कर लेना है. टेक्स्ट बुक में भी आप राइट कर सकते हो, नाउ ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड. चलो, आपको यहाँ पे दूसरी जो ऑब्जेक्ट है बैंगल्स के बाद, उनको आपको उनके उनका यूज करके आपको आपको सर्कल को ट्रेस करना है. विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल. कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिससे आप स्मॉल सर्कल बना सकते हो? तो कॉइन. जैसे आप कॉइन लोगे 1 रुपी का, या फिर 2 रुपी का, 2 रुपीज का, तो उससे छोटा सा सर्कल बनेगा, राइट? तो वो भी आप ले सकते हो. बटन. बटन जो होता है वो एकदम ही साइज में छोटा होता है, तो उससे भी आप स्मॉल, एकदम ही स्मॉल उससे बनेगा, क्या बनेगा? स्मॉल सर्कल बनेगा. विच थिंग मेक द बिगेस्ट सर्कल. चलो, ऐसी कौन सी थिंग है जिसे आप बहुत ही बड़ा बना सकते हो? तो आप एक बड़ी सी थाली, डिश ले सकते हो, तो उससे बहुत ही बड़ा सर्कल बनेगा. आप ग्राउंड में जाके उसे बना सकते हो. उसके बाद
गेम्स विथ सर्कल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स. चलो यहाँ पे देखो, ये जो चिल्ड्रन है पिक्चर में आप देख सकते हो, दे आर प्लेइंग सर्कल गेम. गेम टू, तो ये भी आप जब स्कूल ओपन होगी, रीओपन होगी, तो हम ये सर्कल की गेम खेल सकते हैं. इन लोगों ने देखो सर्कल बनाया है. उसके बाद गेम टू, डू यू प्ले दीज गेम्स, विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दीज गेम्स इन योर स्कूल. तो ये भी हम स्कूल में आके खेल सकते हैं ये वाली गेम. उसके बाद व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स, वॉट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मैड, डिस्कस. चलो व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम, यहाँ पे हम सर्कल बना के ही ये सारी गेम्स क्यों प्ले करते हैं, तो ये जब हम प्रैक्टिकली खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा. उसके बाद मेकिंग अ सर्कल, नैना, चिप्पू एंड अरिबा वांट टू प्ले अ गेम. चलो यहाँ पे नैना, चिप्पू और अरिबा तीनों फ्रेंड्स हैं, उनको गेम खेलनी है. दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड. क्या करना चाहते हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं, एक बड़ा सा सर्कल ग्राउंड के ऊपर बनाना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग. सो अरिबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक, लेकिन वो बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, वो ट्रेसिंग करके ग्राउंड के ऊपर सर्कल नहीं बना पा रहे. सो अरिबा क्या कर रही है, अरिबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक, एक स्टिक की हेल्प लेके वो ट्रेस कर रही है. चिप्पू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल. चलो अभी चिप्पू और नैना क्या कह रहे हैं उसको, कि ये सर्कल के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है. अरिबा, ओके व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई. चलो अभी अरिबा क्या कह रही है कि तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते, चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड. चलो उसके बाद चिप्पू और नैना जो होते हैं उन दोनों ने भी स्टिक की हेल्प लेके यहाँ पे सर्कल बनाया. यू कैन सी इन द पिक्चर, थ्री फ्रेंड्स आर देयर, चिप्पू, नैना एंड अरिबा. क्या कर रहे हैं वो लोग, सर्कल बना रहे. किससे बना रहे, स्टिक से बना रहे. चलो अभी आप देखो, इज एनी ऑफ दीज गुड ड्रॉइंग ऑफ ए सर्कल, डिस्कस. चलो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन अच्छा सर्कल बना सकता है, किससे अच्छा सर्कल बना है, ये आपको डिस्कस करना है. कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद द चॉक. चलो आप चॉक की चॉक स्टिक जो होती है उसकी हेल्प लेके आप फ्लोर पे बना सकते हो सर्कल, ये आपको ट्राई करनी है. अगर आपके घर में चॉक स्टिक हो तो उसका यूज करके आप सर्कल को ट्रेस कर सकते हो फ्लोर पे. ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल. यस, पेंसिल का यूज करके भी आपको अपनी नोटबुक में सर्कल को बनाना है. लुक एट द सर्कल, सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स, हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल. तो ये जब आप स्कूल में आओगे तो हम एक साथ ये ड्रॉ करेंगे सर्कल को, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल भी देख सकते हो कि किसने कैसे बनाया है, राइट. ओके, नाउ मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप. चलो रस्सी से, रॉप मतलब क्या होता है, रस्सी, उससे भी सर्कल बना सकते हैं. अरिबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड. चलो अरिबा क्या डिसाइड करती है, यूज नेल्स एंड अ थ्रेड. थ्रेड मतलब क्या होता है, ये आपको पता ही होगा. थ्रेड मतलब क्या होता है, सुई और धागा होता है. थ्रेड मतलब धागा, जैसे सुई के साथ हम यूज करते हैं टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड. वो क्या डिसाइड कर रही है, थ्रेड से वो नेल्स एंड थ्रेड से वो सर्कल बनाने की कोशिश कर रही है ग्राउंड के ऊपर. शी टुक अ थीन रोप एंड ट्राइड नेल्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द रोप. चलो उसने छोटी सी रोप ली है, रस्सी ली है, एंड ट्राइड नेल्स ऑन बोथ हैंड्स ऑफ द रोप. उसने अपने नेल्स जो है वो दोनों जो कोने होते हैं रस्सी के उसमें उसे क्या कर दिए, ट्राई कर दिए. देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर हैंड. लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग अ सर्कल. देखो ये कैसे बना रही है सर्कल. कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विद अ रॉप एंड नेल्स लाइक अलबीरा, अरिबा. तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, रस्सी की हेल्प लेके और थ्रेड की हेल्प लेके आप सर्कल को बना सकती हो. Do the activity in small groups. Each group should take a rope of a different length. See the circles made by different group. तो ये भी हम practically ही कर सकते हैं, ये आप घर पे भी कर सकते हो. The length of rope used in equal to the length of the radius of the circle. चलो अभी यहाँ पे देखो, the length of rope used is equal to the length of the radius of the circle. ओके, चलो आज इतना तक रखते हैं. बाकी का आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में, मैथ्स के नेक्स्ट पीरियड में लर्न करते हैं. तब तक के लिए आपको होमवर्क आज मैं दे देती हूँ वर्कबुक में. टेक आउट योर वर्कबुक. वर्कबुक में आपको क्या करना है, पेज नंबर 110 पे आ जाओ, 110 पे
आपका चैप्टर 110 पे स्टार्ट हो रहा है, कार्ड्स एंड विल्स। चलो वहां पे पेज नंबर 110 में देखो, डू एज पर इंस्ट्रक्शंस, ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ बैंगल। आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट वाला देखो, ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ बैंगल, एक बैंगल लेके आपको सर्कल को ट्रेस करना है। ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कॉइन, कॉइन लेके भी आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ पे पेंसिल भी है और कंपास भी है, तो ये सब यूज करके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद नीचे देखो, फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर। चलो ये अभी आपको नहीं करना है, ओनली आपको क्या करना है, डू एज पर इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ही आपको सिर्फ राइट डाउन करना है, यहाँ पे आपको करना है। बाकी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल्स गिवन बिलो, वो आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए आपको अभी वो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जॉइन द स्टार्स एंड डॉट्स गिवन बिलो एंड मेक अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जॉइन द स्टार्स एंड डॉट्स गिवन बिलो एंड मेक अ सर्कल। टिक करते जाओ कौन से क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, तो ये भी आपको ट्रेस करना है, डॉट्स वाला और स्टार्स वाला। ये डॉट्स और डॉट्स को आपको ज्वाइन करके सर्कल बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। चलो तो ये आज का आपका होमवर्क है, ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, बाकी का आगे के लेक्चर में करेंगे हम। टिल देन बाय बाय।